एक जमाने की सुपरहिट फिल्म हती सनम बेवफा और ये फिल्म की हवेली के बड़े चर्चे हते और ऐसे ही हवेली बनावे की ख्वाहिश हती छतरपुर के हाजी शहजाद अली को। इन्हें छतरपुर के मस्तान शाह बाबा कॉलोनी में 2017 में हवेली के निर्माण को काम शुरू करे। शहर में हतो इनको रसूख, सो हवेली को बनावे को ना तो कोनू नक्शा पास कराओ गो ना कोनू अनुमति ले गई। 7 साल में सपनों को महल बन के तैयार भाव हाजी शहजाद अली को और करोड़ों रुपया की लागत से सनम बेवफा फिल्म जैसी हवेली हो गई तैयार। लेकिन पत्थरबाजी की एक घटना पड़ी भारी और हाजी शहजाद अली के ई हवेली में रहबे के सपने और पूरी की पूरी हवेली दोई ध्वस्त कर दे प्रशासन ने। दरअसल छतरपुर में पत्थरबाजी को लेकर प्रशासन ने जो बड़ी कार्रवाई करी है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चे हैं हाजी शहजाद अली की हवेली के ध्वस्तीकरण की। हाजी शहजाद अली ने जो हवेली सनम बेवफा फिल्म की तर्ज पे बनाई थी 7 साल में सपनों को महल बन के तैयार भाव, लेकिन थाने पे पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने ईखो जमी दोज कर दो। कार्रवाई के बाद प्रशासन ने कही कि ई के निर्माण की अनुमति नहीं ली गई थी। बताओ जा रहा है कि बीते 7 सालों में ही हवेली को बनवावे में करोड़ों रुपया खर्च भए। जहाँ हवेली 20,000 स्क्वायर फीट में फैली थी, इतने से गुजरने वाले लोगों की नज़रें ठहर जाती। हाजी शहजाद अली को रसूख ऐसो हतो कि उनकी मर्जी के बिना इलाके में कोनू काम नहीं होतो। काहे के वो छतरपुर में मुस्लिम समाज को सदर रहो, इको बड़ो भैया इलाके में पार्षद है, इको बड़ो भैया राजनीति में और दूसरे भैया प्रॉपर्टी डीलर हैं और सपनों की हवेली बनावे के लाने 2017 में उन्हें काम शुरू करे तो जब जब बन के तैयार भई सो में रहवे के पहले ही प्रशासन ने इको जमी दोज कर दो। कोतवाली में कछु पथरा बरसे और इके बाद करोड़ों की यह हवेली भी पथरा पथरा हो गई। बड़ी बात यह है कि करोड़ों की ई हवेली में हाजी शहजाद अली को रहवे को सपना सपनों ही रह गो। काय के जे ऊ में रह नहीं पाए ऊ के पहले ही हो गई या कार्रवाई। लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं कि कैसे सामान्य से परिवार को व्यक्ति अचानक से करोड़ों की जमीन को मालिक बन गओ, करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी को मालिक बन गओ। और ई के पीछे की वजह भी लोग बताऊ थे कि शहजाद अली धार्मिक मामलों में प्रमुख पदों पर रहवे के चलते समाज के भीतर क्यों ऐसे काम करत तो जी के चलते समाज में उको रसूख हतो और ये रसूख के दम पे उन्हें कई प्रकार के जरियों से पैसा कमाओ। शहजाद अली के संग ही आजाद फैयाज और इम्तियाज इन भाइयों को शहर में ऐसो दखल हतो के कई इलाकों में इनकी मर्जी के बिना उन्हें काम नहीं होतो और यही रसूख के दम पे उन्हें अथाह पैसा कमाओ और पैसा के संगे रसूख तो हतो ही हतो। अब ऐसे में ई हवेली को तो जमी दोज कर दो गो है, लेकिन कछु सवाल और भी हैं कि जी हवेली को जमी दोज करे गो है। अधिकारी उखो अवैध बता रहे हैं, लेकिन 20,000 स्क्वायर फीट की हवेली जो पिछले 7 साल से बन रही थी तब ई के बिल्डिंग परमिशन के बारे में सवाल जवाब काय नहीं करे गए। और सीधी सी बात है कि रसूख तब कामे आ गो शहजाद अली को। लेकिन जब कोतवाली में पथराव भाव वो भी शहजाद अली के नेतृत्व में आई भीड़ के द्वारा, सो पुलिस और प्रशासन ने इनको निशाने पे ले लो और इनकी हवेली भी सीधे तौर पे निशाने पे आ गई। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश।